हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं अपने स्टूडियो में शुरुआत कर रही हूँ व्लॉग की, यू आस्क व्हाई, बिकॉज टुडे इज़ जेन्युइनली अ वेरी स्पेशल डे। आई जस्ट वोक अप, आई फ्रेशन्ड अप, थोड़ा मैंने अपना हुलिया ठीक कर लिया ताकि आप लोगों के सामने मैं जोकर ना लगूँ। मैं यहाँ पे आज व्लॉग स्टार्ट करी क्योंकि मेरे घर पे अनिंदिता आई हुई है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। उसको यहाँ पे आना पड़ा इन एन एमरजेंसी, सो वो 3-4 दिन के लिए मेरे घर में स्टे करने वाली है। सो वो अभी सो रही है बिकॉज शी वेक्स अप लेट। मेरे पापा का हेयर कट अभी ड्रॉइंग रूम में चल रहा है। अहमद सर को स्पेशली रिक्वेस्ट करके बुलाया है विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस कि वो मेरे पापा का हेयर कट कर दे। मेड्स ने आना स्टार्ट कर दिया, लाइक फाइनली लाइफ इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। अब सब मास्क लगा के एक दूसरे से दूर रह के ये सारे काम कर रहे हैं, बट फाइनली कुछ प्रोग्रेस लाइफ में दिख रहा है। लाइक हम अपने घरों के अंदर एकदम बंद नहीं है। एंड ऑल्सो टुडे आई एम गोना प्रैंक अ फ्यू पीपल, सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आज का दिन बहुत बेटर होने वाला है, मूविंग लाइफ अवे फ्रॉम द लॉकडाउन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम भी बोल दिया। आय आय, कितना बढ़िया था, करियो फिर से, करियो बाल खींचो, ये बड़ा अच्छा किया था इसने। रवि शेव करा रहा? रानू, रानू Let's go in the kitchen. क्या बनाया है? पनीर पराठा बना रही हूँ। I'm going to take a bath. रवि ये क्या है? दही। दही है ये? कौन सा लेगा? चॉकलेट लेगा, मैंगो लेगा? चॉकलेट लेगा। चॉकलेट लेगा ले। खाना नहीं है, खाना नहीं है। देखो हु इज हियर, इसके बाल नहीं कटे। सिम्बा बहुत खुश हो गया, उसकी सारी पसंद के लोग आए हुए हैं। ये भी आई हुई है इधर। कुछ खाएगा? दे दे। मामा अर्थ कोको योगर्ट विद कॉफी एंड मामा अर्थ ने न्यू एडिबल्स निकाले हैं, तो ये उनका फ्लेवर्ड योगर्ट है। योगर्ट? दही नहीं। नहीं, बॉडी योगर्ट है, छोड़। अरे नहीं है खाने का। सही है, कॉफी वाली है। ओके गाइस, सो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने थोड़ा बेसिक नो मेकअप मेकअप लुक किया है, एंड इफ यू वांट टू चेक इट आउट मैंने कैसे किया, तो मैंने एक IGTV वीडियो डाली थी, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप देख सकते हो। सो अभी मामा अर्थ सेंट मी दीज बॉडी योगर्ट्स एंड दिस इज अ न्यू लॉन्च। जब मेरे पास ये आए थे और मैंने पैकेजिंग खोली थी, आई फेल्ट लाइक ये बिल्कुल एडिबल योगर्ट लग रहे हैं, लाइक जो आप खाने के लिए लाते हो, एंड दे स्मेल सो डिलिशियस। लाइक लुक एट दिस पैकेजिंग, एंड इनको अगर आप खोल के देखो तो ये जेली लाइक योगर्ट ऐसे लगते हैं। ओ माई गॉड, एंड की खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है। माई फेवरेट आउट ऑफ दिस जो मैं सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ इज द कोको बॉडी योगर्ट। सो जिस टाइम ये मेरे पास आए थे, मैंने सोचा था कि मैं रवि को, ईशान को और पापा को प्रैंक करूंगी। अभी मेरे पापा प्रैंक करने के मूड में नहीं है, सो इसलिए मैंने उनको प्रैंक नहीं किया। बट आई रियली फील लाइक दिस इज ग्रेट फॉर मॉइस्चराइजेशन। बॉडी योगर्ट्स आर ग्रेट सब्सटीट्यूट फॉर बॉडी बटर्स। अगर आपको विंटर में यूज करने हो तो आप बॉडी बटर यूज करते हो बिकॉज वो हाईली मॉइस्चराइजिंग होते हैं। अगर आपको समर में कुछ यूज करना हो जो बहुत ही आपकी बॉडी को कूलिंग दे, तो आप ये यूज कर सकते हो। Now I really like this because इसमें कॉफी भी है, एंड यू गाइज नो आई एम अ कॉफी लवर। ऑल्सो द फैक्ट दैट मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता, उनके प्रोडक्ट्स ऑल नेचुरल होते हैं, दैट इज अ ग्रेट डील टू मी। सो इफ यू वॉन्ट, अगर आप समर में कोई न्यू प्रोडक्ट ट्राई करो, डू गिव दिस रेंज अ ट्राई। आई पर्सनली प्रेफर दिस वन अ लॉट क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, प्लस इसको लगाते ही बॉडी में एकदम कूलिंग मिलती है। इन दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें सैफ्रॉन और टर्मरिक है। मेरे पास उपटन योगर्ट है। अगर आप बॉडी शेव करते हो, इफ यू आर नॉट इनटू वैक्सिंग एंड यू शेव एट होम, आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला अप्लाई करो क्योंकि इससे आपकी बम्पी स्किन एंड टेक्सचर नहीं होगा। मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड एंड इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड एज क्रुएल्टी फ्री फ्रॉम पीटा। सो अगर आपको उनके डिलिशियस बॉडी योगर्ट्स ट्राई करने हैं, आप उनकी साइट mamaearth.in से ये मंगवा सकते हो। माय कोड इज aditi2020, उससे आपको 20% ऑफ मिलेगा। एंड अगर आपको कोड नहीं यूज करना, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एज वेल एज Nykaa। सो अब क्योंकि मैंने ये पूरा अप्लाई कर लिया है, आई विल हेड, मेरा प्लान है आज GK1 जाने का क्योंकि वहां पे बिग फैट सैंडविच एंड पिज्जा है। एंड मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि टेकअवेज खुल गए, तो आज मैं बहुत दिनों, लाइक 2.5-3 मंथ बाद मैं कुछ बाहर का खाऊंगी। मुझे उनका टस्कन सनराइज पिज्जा बहुत पसंद है, कॉफी बहुत पसंद है, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दैट। लेट्स गो। टू टायर्ड, उसके साथ हम शाम को जाएंगे। मैं तो सोने वाली
अपना ब्रेकी करके सोने वाली है। लेट्स गो, बाय। आज तो बहुत धूप है, हीट है, बिल्कुल बहुत हीट है। सो ईशान हैज कम टू पिक मी अप, वी आर गोना सिट। वो गर्मी गर्मी सैंडविच एंड पिज्जा इन GK 1 ग्रेटर कैलाश, एंड मेरे घर से वो काफ़ी दूर है, बट दैट इज़ लिटरली वट आई वॉज क्रेविंग। मेरे को पीरियड्स हैं एंड उस टाइम मैं बहुत कुछ क्रेव करती हूँ, एंड यहाँ का सब कुछ बंद लग रहा है पर किचन खुला हुआ लग रहा है, तो होपफुली वो हमारा ऑर्डर ले लेंगे। आई एम नॉट प्रमोटिंग इन एनी वे कि कोई भी बाहर जाके ऐसे बार बार खाओ, बट वंस इन अ वाइल इफ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू यू देन आप खा सकते हो। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा कि एक लंबी ड्राइव पे आई हूँ एंड ग्रेटर कैलाश की गलियों में दोबारा आई हूँ। आई वुड हैव लव्ड कि कोरोना चला जाता एंड मैं बैठ के खाती, बट दिस ऑल्सो वर्क्स। ईशान इज कमिंग बैक एंड आई जस्ट होप मिल गया, आई जस्ट होप दे टेक आर ऑर्डर। क्या हुआ, ले लिया ऑर्डर? My coffee is here. Oh my god, इतने दिनों बाद। बहुत अच्छी है, मैं सच में रो पड़ूंगी। थंबनेल के लिए पोज कर, इधर है तेरा ऐसे। अच्छा, ये लूंगी, मिल गया मुझे थंबनेल। पिज्जा कब आएगा? मैं पूरा खत्म कर दूंगी। थैंक यू, माय पिज्जा इज हियर। बिग फैट सैंडविच का टस्कन सनराइज। ये हमारे रास्ते में सरोजनी नगर आ रहा है एंड आई एम लाइक लेट्स सी क्या हाल है लॉकडाउन में सरोजनी नगर का। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग के क्या कुछ एक दो शॉप खुली है या फिर पूरा बंद है, मतलब क्या हाल है दिल्ली में अब सरोजनी नगर का। ओके, सो हियर इज सरोजनी नगर, ऑल क्लोज्ड, सारी शॉप्स क्लोज हैं। साड़ीज की खुली है बट डेफिनेटली कोई ठेले या रेड़ी नहीं लगे हुए। योर मेन शॉप्स ऑफ सरोजनी, यू गाइस कैन सी यहाँ पे बंद है। मैंने सरोजनी इतना खाली कभी नहीं देखा। सरोजनी सिंस अनंतता इतनी दूर से आई हुई है यहाँ पे, तो बहुत खुश हूँ। मुझे मैं पता नहीं, मुझे कुछ हो गया। तो हम इसको बाहर लाए हैं स्टारबक्स तक घुमाने, हम इसको घुमाने लेके आए घूमी घूमी स्टारबक्स तक, एंड बहुत मजा आ रहा है स्टारबक्स पी के हम सबको। The little things we took for granted पहले, seriously like life has humbled us. Guys, she's so sweet. ये रवि के लिए फन स्कूल बाय कर रही है। क्या है ये? क्या है ये रवि? खुश? ओपन करो, खोलेगा तो पता चलेगा। स्माइल आ गई, स्माइल। रवि 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 पंच स्कूल का स्माइल दे दे। I am back at home. मैंने quickly अपने pajamas बदल लिए हैं। It was such a fun day. अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है because we can't end
अ क्वर्की व्लॉग विदाउट अ क्वर्की मॉम रेसिपी. सो मेरी मम्मी आज रात को चाउमिन बनाने वाली है विच इज़ चाइनीज नूडल्स. सो आई थॉट कि आप लोगों को ये डिनर की रेसिपी ज़रूर बतानी चाहिए. सो लेट्स गो इन द किचन. ओके सो वी आर इन द किचन. बंद गोभी कैबेज माइक्रो हो रही है. देन दिस साइड शिमला मिर्च और गाजर काट रही है मम्मी लंबी लंबी ऐसे, बिकॉज चाइनीज नूडल्स में ऐसे ही चाउमिन टाइप सब्जियां डलती हैं. ओके सो दिस इज द प्लेन नूडल दैट वी आर यूजिंग. पानी इसमें हमने एक बड़ा पतीला लेके ना 3/4 वाटर ले लिया और इसमें हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 स्पून सॉल्ट डाला. ये बॉयल आ गया ना जैसे, अब इसमें हम सारे नूडल्स डाल देंगे. तो अब ये सारा अंदर चला गया है, इसको हिलाते रहना थोड़ा सा. इसको मम्मी कितनी देर तक बॉयल करना होता है? 7 मिनट्स. सो यू हैव टू ड्रेन इट विद चिल्ड वाटर लाइक दिस. अब इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे जिससे कि ये स्टिक नहीं करे. गैस ऑन करेंगे एंड इसके लिए ऐसा यूटेंसिल लेना होता है जो जल्दी हीट हो जाए. वैसे लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत बेस्ट रहती है. बाय द वे गाइस, ये चाइनीज नूडल्स जो बन रहे हैं ये रवि की फरमाइश पे बन रहे हैं, क्योंकि उसको रोज कुछ चाहिए होता है खाने का, तभी वो यू नो खुश रह पाता है. उसकी जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए. सो इसीलिए हम आज चाइनीज नूडल्स बना रहे हैं. आई थॉट कि ये तो इसकी रेसिपी शेयर करनी बनती है. ये काफी सारे हैं, 5 लोगों के लिए हैं नूडल्स. ये हम इसमें 5 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल. साइड बाय साइड हमने अपने प्याज भी चॉप कर लिए हैं. अब जैसे ये हाई हीट हो गया, इसमें धुआं निकल रहा है, उसी टाइम हम इसमें सबसे पहले डालेंगे प्याज. जैसे अब ये लाइट पिंक टू ब्राउन होने लगे हमारे प्याज, इस टाइम पे क्या डालना है? अब हम डालेंगे कैबेज बंद गोभी. और ये बंद गोभी को मेरी मम्मी ने बहुत बार धो के माइक्रो करके मतलब प्रॉपर साफ करके डाला. ये सब्जियां डाल के ऐसे मिक्स करना इट्स माय फेवरेट थिंग टू डू इन द किचन. जब ऑयल में ऐसे प्याज डलता है एंड सारे वेजिटेबल्स जब डलते हैं और वो सिजलिंग सी साउंड आती है, रियली लाइक दैट. सो किचन में मेरे को सब्जियां चॉप करना प्लस ऐसे गरम गरम तेल में मिक्स करना इट्स माय फेवरेट थिंग टू डू. अब इसमें गाजर डालेंगे. गाजर और शिमला मिर्च दोनों ऐड कर देते हैं. ठीक है, अब इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे. अब इसमें 1 चम्मच अजीनोमोटो डाल देते हैं. अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट होता है. और 1 ही चम्मच क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी है नमक डाल दें, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है. सोया सॉस भी हमने डालनी है तो पहले थोड़ा कम ही डालो, बाद में नहीं तो ऐड कर लेना. इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, 1.5 डाल लेते हैं. ठीक है, बनेगा इस सिरका ना. हाँ, ये हम 2.5 डाल देंगे. ओके, ग्रीन चिली सॉस. ये हम थोड़ी सी पड़ी है मतलब ऑलमोस्ट ये 1 टेबल स्पून होगी. काली मिर्च या वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर. अभी वाइट पेपर है नहीं तो इसलिए मैं ब्लैक पेपर डाल दूँ. पॉइंट थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दो. एंड एज यूजुअल हमारा रवि चेक करने आया किचन में क्या बन रहा है. रवि क्या खाएगा? चाउमीन. चाउमीन. अब ये हम मिक्स करेंगे स्लोली स्लोली. थोड़ा सा इनको ऐसे सेपरेट करके डालना है. सेपरेट करके हाथ अच्छे से धो लें डालने से. अब इसे मिक्स करना है. एंड आवर चाउमीन इज रेडी. दिस लुक्स डिलीशियस. दिस रियली लुक्स डिलीशियस एंड इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. आई एम गोइंग टू टेक सम एंड टेस्ट. डोंट वरी मेरे हाथ धुल रहे हैं. रियली नाइस, सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट है.
लिया एंड फॉर डेजर्ट मेरी मॉम ने केक बनाया था, कुकर केक, जो मैं पहले अपने पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ. सो हम अभी वो खा रहे हैं एंड साइड बाय साइड फिर वॉचिंग बॉन वॉयज एंडलेस BTS कॉन्टेंट. सो हम सीजन 2 देख रहे हैं ना हवाई वाला एंड ईटिंग दिस. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग. मेरे साथ है गंदे लग रहा ना हम दोनों, दो टू क्लाउन्स टुगेदर. हम दोनों एडिट कर रहे थे, मेरी हो गई अब इसकी, अब मेरा आउटरो बाकी है. एक्सक्यूज दीस थिंग्स, जस्ट ओह माय गॉड, एक्सक्यूज, मैं जा रही हूँ, बाय. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यू नो व्हाट टू डू, लाइक कर देना, शेयर कर देना किसी भी अपने फ्रेंड के साथ एंड कमेंट करके बताना कि आज के व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा. इफ यू सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, चेक आउट ऑल द वीडियोस लिंक बिलो, आई नो यू गोना लव देम. एंड इफ यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स ऑन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. Every Tuesday and Friday, सुबह सुबह 11 बजे. And follow me on all my socials right there, especially on Instagram. वहाँ पे मैं बहुत amazing content डालती रहती हूँ. And I'll see you next time. Bye.